तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगल फेज मोटर के बारे में, जो 1400 RPM मोटर है और 0.75 किलोवाट का मोटर है। और इसका जो वाइंडिंग है वो जला हुआ है, और इसको ये 15 UF का कैपेसिटर भी लगा हुआ है। इसको हम वाइंड करेंगे, जिस तरीके से बनेगा, जो तार डालेगा वो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। जो भी नंबर तार डालेगा इसमें और जितने टर्ने होंगे वो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसके जो वाइंडिंग था वो हमने खाली कर दिए, काट दिए। इसका वाइंडिंग वो जला हुआ था, इसका वाइंडिंग, तो इसका हमने पेमाइश की है स्टेटर का। इसका जो लंबाई है कवर की वो 2 इंच है, और ये जो ऊंचाई है वो 2 इंच है लंबाई, और जो ऊंचाई है कवर की इस तरह की वो 2.5 इंच है, 2.5 यानी आधी इंची उससे लंबी है इसकी कवर। तो इसमें हम 27 नंबर तार डालेंगे और 80 और 160 हमने टर्ने रखनी है। और इसके जो छोटे स्लॉट, ये आम जो वॉशिंग मशीन का मोटर होता है उसी तरह इसका स्टेटर है। तो अब इसको हम वेंड करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। और कनेक्शन तो उसी तरह होगा जिस तरीके से वॉशिंग मशीन का कनेक्शन होते हैं। तो दोस्तों, इसके हमने कोयले बनाई है वो आपने देखी होंगी, ये पड़ी है सामने। और इसके जो सलाड़ है वो 24 सलाड़ है, इसके 24 सलाड़ है, और इसके दो छोटे सलाड़ है, फिर एक बड़ा है, फिर दो छोटे, फिर एक बड़ा है। ये जो छोटे सलाड़ है इसमें बड़ा कोयल आएगा, जो बड़े सलाड़ है उसमें छोटा कोयल आएगा। जो छोटा कोयल आएगा ये हम पहले छोटा कोयल डाल लेते हैं, तो ये कोयल के ऊपर एक और कोयल आएगा, ये डबल होगा हमारा ये कॉइल। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 4 कॉइल नीचे आएंगे, 4 सेट, और 4 सेट इसके ऊपर आएंगे। तो ये अब जो बड़ा कॉइल आएगा ये छोटे सलाड़ों में आएगा। जिस तरीके से बनेगा, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें जो मैंने 4 कॉइलें डाली है, 4 सेट, और अभी जो छोटा कॉइल है उसके ऊपर दूसरा कॉइल आएगा, जो बड़ा कॉइल है उसके ऊपर कोई कॉइल नहीं आएगा, बड़ा कॉइल का इधर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, छोटे कॉइल के ऊपर कॉइल आया है छोटा कॉइल, और जो बड़ा कॉइल है वो इधर आएगा, जो खाली सलाड है उसमें आएगा। तो ये काफ़ी आसान तरीका है, ये आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे।
जो आपके काम के हो। इस तरीके से हमने जो तीन कॉइल रहते हैं वो भी हमने इस तरीके से डालने हैं, तीन सेट हमारे रहते हैं। तो दोस्तों अब इसके कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। इसका जो कनेक्शन है वो आम वॉशिंग मशीन वाला कनेक्शन है, जिस तरह वॉशिंग मशीन का कनेक्शन होता है। तो ये हमने बड़ा सिरा पकड़ा है और छोटा सिरा छोटे के साथ आगे हमने जॉइन करना है। ये इसके आगे हमने बड़ा सिरा जो है ना बड़े के साथ हमने जॉइन करना है। छोटा छोटा जो सिरा है वो हमने निशानी लगाई है उस पर, उससे हमने शुरू करना है। इसी तरह इस कॉइल का छोटा सिरा आगे छोटे सिरे के साथ हमने जॉइन करना है। एक से तीन आएगा, थ्री फेज मोटर में तो एक से चार होता है, इसमें एक से तीन होगा और बाहर वाला बाहर के साथ होगा, अंदर वाला अंदर के साथ होगा। अब इस कॉइल का हमने बड़ा सिरा आगे बड़े के साथ जॉइन करना है। ये छोटा से रह गया और जिस पे हमने निशानी लगाई थी वो रह गया। अभी इसका जो हमने अंदर वाला कनेक्शन है वो भी इसी तरीके से करना है। अब ये वाला हमने पकड़ना था तो इसका जो आगे कॉइल है हमने उससे शुरू करना, ना कि पीछे से। उसका हम पकड़ेंगे तो फिर कनेक्शन उल्टा होगा। ये वाला हमने आगे से जो है ना शुरू करना है। आगे वाला का भी जो है ना छोटे वाला पकड़ा है हमने और बड़े वाला उसके बड़े के साथ जॉइन होगा। ये चार तारे हमारे साथ रह गए, दो बाहर के हैं और दो अंदर कॉइलों के हैं, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। जो पहले वाले हैं उस पे उसको हमने साथ मिलाना है, उससे हमने मेन बनाना है। और ये हमारा स्टार्टिंग हो गया और ये रनिंग हो गया। उनमें से अगर जिस सेट पे भी चलाए मोटर उस सेट पे चलेगा, क्योंकि इसमें रनिंग और स्टार्टिंग नहीं था, एक ही नंबर तार से बना हुआ है। ये दो कैपेसिटर के हो गए और ये हमारा मेन बन गया। अब इसका जो बंद है वो निकाल लेता हूँ, फिर इसको फिट करके आपको एम्पेयर भी दिखाते हैं। इसका जो एम्पेयर होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा कितना एम्पेयर ले रहा है। जैसे प्ले होता है।